कोटा यूनिवर्सिटी से एक साल पहले हटाए गए ठेकाकर्मी ने फिर से काम पर नहीं लगाने पर यूनिवर्सिटी के बाहर आत्मदाह करने की चेतावनी देते हुए एक वीडियो वायरल किया है। कैथोनी पोल के रहने वाले देवेंद्र शर्मा ने वीडियो में कहा कि उसने 4-5 साल यूनिवर्सिटी में काम किया, लेकिन उसके बाद उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया गया। उसने यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स अधिकारी पर वीडियो में आरोप भी लगाए हैं। वीडियो में 1 अक्टूबर तक का समय देकर पुनः नौकरी पर रखने की उसने मांग की है। कोटा यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स बोर्ड के सचिव डॉक्टर विजय सिंह से बात करने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। मेरा नाम देवेंद्र कुमार शर्मा है। मैं कोटा विश्वविद्यालय में 5-6 वर्ष से कार्य कर रहा हूँ। वहाँ के जो स्पोर्ट के जो अधिकारी विजय सर, वो मेरा लगातार शोषण कर रहे हैं। संडे, सेकेंड सैटरडे, होली, दिवाली, कोई भी अवकाश हो, हमें एक भी छुट्टी नहीं दी जाती और उन छुट्टियों का एक्स्ट्रा ड्यूटी के नाम पर बिल बनाकर वो पास करा के विजय सर और ठेकेदार दोनों आपस में हड़प लेते हैं। ये दोनों आपस में मिले हुए हैं और ठेकेदार हमसे 500 रुपये अलग से कमीशन लेता है, मेरे से नहीं, पूरी यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों से। ठेकेदार किसी से 500, किसी से 600। अगर वो ठेकेदार द्वारा मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, घर में खाने का एक दाना भी नहीं है। अगर 1 तारीख तक यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा मुझे नौकरी पर नहीं रखा गया तो मैं 1 तारीख को यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर आत्मदाह कर लूँगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी प्रशासन व ठेकेदार की होगी।